हे एवरी वन वेलकम बैक टू रॉन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी मैं हूँ आपके दोस्त राधी और डिस्कस करेंगे अब हम कल के बारे में क्या व्यू रहता है हमारा प्लस मैं आज मैं मार्केट में किस तरीके से एक्शन देखने को मिला वो डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ आ, स्विंग ट्रेड के लिए एक बार डिस्कस करेंगे और हर टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देखने की ट्राई करेंगे कि किस तरीके से जो प्राइस है वो हमें बता रहा है प्लस मैम जो आज का मेन मोटिव है वो मुझे आपको रिवर्सल समझाने का है बिकॉज रिवर्सल जो ट्रेड होता है ना अगर मोस्टली ट्रेडर को आप देखोगे ना तो उनका पर्टिकुलर एक सेटअप होता है तो कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ बियर ट्रेडर जो होते हैं तो उनका मेन मोटिव होता है रिवर्सल्स ढूंढना वो सिर्फ मार्केट में तभी एंट्री करता है जब उनको रिवर्सल मिलता है सो so, अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपना जो एक नेचुरल चीज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो आपको वो ढूंढना है ठीक है सो मेरा काम है जनरल आपको वो सारी चीज़ें बताना बट उनमें से आपको सूट कौन सा करता है वो आप ही डिसाइड करोगे ट्रेड करके सो so, अब हम एक बार डीपली एनालिसिस करेंगे प्लस में आज का जो चार्ट है वो पिछले कुछ चार्ट से मैच करता है जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि हिस्ट्री रिपीट करती है और मैं चार्ट्स भी आपको भेजती रहती हूँ ठीक है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिए अगर आप यूँ इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो so, ऐसे जिस तरीके से मैंने आपको वीडियोस भेजे ये चार्ट्स मैंने लर्निंग के लिए कल भी एक लर्निंग वाला चार्ट भेजा था कि कंसोलिडेशन से कैसे सेव होना है आई होप कि इस चार्ट के वजह से आज, आज आप जो मार्केट में स्टार्टिंग में आपको एक जो कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला इस टाइम पर आप सेव हो पाए हो ठीक है आपके मैसेजेस भी मुझे मिले थे कि जो लास्ट चार्ट था और जो कल का एनालिसिस था उसके बेसिस पर आप जो है ये वाला कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से फेस कर पाए दैट इज गुड काफी अच्छी बात है वो सो ठीक है अभी हम इस तरीके से बाकी लर्निंग चार्ट लर्निंग विडियोज डायरेक्टली रोज भेजते ही रहेंगे सो so, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अब हम सारे तरीके देखेंगे एक बार रिवर्सल पैटर्न देखेंगे हर टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट एनालिसिस करेंगे ठीक है और आज का जो ट्रेड प्लान था वो कहाँ कहाँ बनता था वो देखेंगे ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई है उस चीज में तो आप देख लो और समझ जाओ मेन चीज क्या है अच्छा मेरी एक एडवाइस ये शुरू करने से पहले देखो अब में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम आई एम अ अगनर सो so, गनर के लिए मेरे मैं हमेशा टाइम फ्रेम बताती हूं आपको टाइम फ्रेम क्या होता है कि या तो आप सुबह डेढ़ घंटा ट्रेड करो ठीक है नाइन से जो नाइन फिफ्टीन से टेन थर्टी होता है हाईली वॉलेटाइल मार्केट होती है उस टाइम पे या टेन थर्टी के बाद ट्वेल्व थर्टी के बीच में आप ट्रेड करो या ट्वेल्व थर्टी के बाद थ्री थर्टी टू थर्टी थ्री तक आप ट्रेड करो बाकी का रेस्ट टाइम ठीक है मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बिगनर हो तो आप मैं मार्केट में अगर एंट्री करते हो फॉर एग्जाम्पल आप फुल टाइम ट्रेड या फिर आपके पास पूरा दे है बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो इस टाइम पे तो फिर वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे बट अगर आप बिगनर हो तो आप ट्वेल्व के बाद ही ट्रेड करो बारह बजे के बाद ट्रेड करो क्योंकि बारह बजे के बाद आपको मोस्टली रिवर्सल सेटअप्स मिलेंगे रिवर्सल सेटअप ज्यादातर आपको बारह बजे के बाद ही मिलेंगे जनरली अगर आप देखोगे तो वो हम अभी अब इसमें डिस्कस भी करेंगे आगे ठीक है और 12 बजे के बाद के जो ट्रेड होते हैं ना उसमें हम ऐसे ही किसी में एंट्री नहीं करते हैं ठीक है 12 बजे के बाद हम समझते हैं कि मार्केट ने दो तीन थी, दो घंटे तक मार्केट ने क्या करा कर है क्या बना रहा है अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था अच्छा रन कर चुका है इस तरीके की चीजों को हम समझते हैं फिर हम ट्रेड करते हैं और दूसरा चीज क्या होती है अगर हम बारह बजे के बाद ट्रेड करते हैं तो हमारा ओवर ट्रेड नहीं हो पाता ओवर ट्रेड क्यों नहीं हो पाता क्योंकि बारह बजे से पहले हम क्या करते हैं कोई भी एक ट्रेड ले लेंगे सुबह मॉर्निंग में उसमें हमारा लॉस हो जाएगा और फिर हमें यह पता होता है कि नेक्स्ट अगले छ साढ़े uh, छह घंटे हमारे पड़े हुए हैं मार्केट में तो हम इजिली रिकवर कर लेंगे रिकवर करने में हमारी सारी कैपिटल चली जाती है सो इफ यू आर अ बिगनर देन इट इज़ अ एडवाइस फॉर यू कि आप क्या करो आप सिर्फ बारह बजे के बाद ट्रेड करो दिस इज द एडवाइस और अगर आप बिगनर नहीं हो और आप मार्केट को जानते हो तो वो तो आप अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड कर ही सकते ओके सो दिस इज द थिंग अभी हम आगे इस चीज में बढ़ेंगे ठीक है so, सो अब देख लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है अगर आप यहां पर देखोगे हम इसे एक हैमर टाइप का कैंडल नहीं बोलेंगे बिकॉज जो 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 हैमर टाइप की कैंडल होती 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 है जो ये होती है जो होती है वो से होती है है उसकी ये यानी विक वो बॉडी से डबल ठीक जैसे यहाँ पर आप ये वाली कैंडल देख पा रहे हो लेकिन जो हैमर कैंडल होती है उसके ऊपर के साइड विक भी नहीं होती है ओनली बॉडी बॉडी होती है तो मैं आपको समझा रही हूँ बिकॉज आपका पर्सनली क्वेश्चन आता है इस टाइप का बाकी गूगल पे सर्च कर सकते हो ठीक है सो इस टाइप की जो कैंडल होती है अब देखना यह है कि इस कैंडल से अब यहाँ पर आप यहाँ पर दो चीजें हो सकती है जो ये गैप था यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा बचा हुआ था जो मैंने कल के एनालिसिस में डिस्कस करा था कि निफ्टी ने ट्राई किया बट यहाँ पर अभी भी गैप थोड़ा सा है फिल करना हुआ वो निफ्टी ने ट्राई किया फिल करने का लेकिन बैंक निफ्टी में जो गैप है वो बिल्कुल भी फिल नहीं हुआ है कल के एनालिसिस में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी ठीक है कि बैंक निफ्टी ने रन किया लेकिन एक ऊपर गैप है तो बैंक निफ्टी मोस्टली आज ट्राई करेगा उस गैप को फिल करने के लिए और स्टार्टिंग के जब गैप अप हुआ तो उस चीज़ में वो फिल हो गया था इसलिए मार्केट में थोड़े टाइम तक एक कंसोलिडेशन रहा और उसके बाद रिवर्सल आया अब रिवर्सल में अगर आपने कल का एनालिसिस देखा ना तो मैंने आप मैं आपको बोल के गई थी ये वाली चीज़ और मैंने आपको ना टेलीग्राम पे भेजा भी ये मैंने चार्ट में भेजा मैंने क्या बो, बोला था यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है इधर के साइड ठीक है और रिमेम्बर वी विल वेट फॉर रिवर्सल कैंडल ऑन एवरी इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस हमें हर एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पर एक रिवर्सल कैंडल का वेट है क्यों बोला मैंने ऐसा बिकॉज यहाँ पर एक इतना बड़ा अप ठीक है यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जो है वो थाउजेंड पॉइंट का जो है हमें यहाँ पे गैपअप uh, मिल चुका था कल के दिन उस दिन मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट रहा फिर एक बार और आज गैपअप हो जाता है फिर कंसोलिडेट होता है तो इस टाइप का मार्केट जब मूव दे देती है ना तो एक रिवर्सल आता है और वो जो रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा ना वो हमेशा आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा इसीलिए जब मैंने आज आपको वीडियो दी सुबह uh, सुबह जो मैंने समझाया कि मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे तो मैंने वीडियो में आपको डायरेक्टली ये बोला था कि हम वेट करेंगे एक सही पैटर्न का और अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना तो प्लीज जाके आप ये वीडियो दोबारा देख लो बेशक आप मार्केट के बाद में देख रहे हो बट देखो क्योंकि इसमें मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया और अगर आप ये फैक्टर समझ गए ना तो ये फैक्टर जो आपको यहां समझ आएगा ना आप हर दिन आप इस तरीके से आपके माइंड में ये चीजें चलने लग जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेलर और बायर्स किस तरीके से एक्शन लेते हैं ठीक है वो चीज मैंने आपको समझा दी थी यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक बार अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी क्या बता रहा है बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है ना वो काफी रिजेक्शन कैंडल बनी है ऊपर के साइड से यानी बायर ने ट्राई किया बट सेलर ने ऊपर से रिजेक्शन दिया तो ये जो रिजेक्शन कैंडल है इसमें मेन चीज क्या होता है अगर मैंने आपको और भी चीजें बताई है वो ये की अगर चलते हुए रन uh, में कोई भी कैंडल इस टाइप की बनती है uh, जो वाली होती है वो थोड़ा सा ब्रेक लेने की ट्राई करती है मार्केट में या फिर नेक्स्ट डे कंसोलिडेशन देखा जा सकता है तो अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस से कैसे बनते हैं या तो मार्केट इसको डब्लू पैटर्न की तरह बनाए एक तरीके से दोबारा यहाँ पे आए और फिर एक तरीके से यहाँ पे हमें मिले तो अच्छा पैटर्न बनेगा बाकी तो डब्लू पैटर्न का ये जो क्रोस है वो चल रहा है बट ये एक और अच्छा पैटर्न मिलेगा या फिर यहां से अगर रिवर्सल होता है तो हम डाउन साइड का ट्रेंड करेंगे हमारा व्यू वही रहेगा हम सिर्फ होमवर्क करके जाएंगे बाकी प्राइस हमें बताएगा कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है ठीक है प्राइस सिंपली अबाउट सारा क्या डिमांड और सप्लाई का जिस जिस तरीके से एक्शन जिस जिस तरीके से पोजिशन बनती है

और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि प्राइस जो है जैसे मैंने आपको एन पैटर्न सिखाया है breakout देने के बाद बाद जो कि काफी अच्छी तरीके से breakout हुआ उसके बाद यहाँ, पे जो था, यहाँ पर वो फिल हुआ उसके बाद मार्केट क्या करता है एक रिवर्सल ले सकता है यहां से अब मोस्ट प्रोबेबली देखना कैसे देखो हम सिर्फ होमवर्क करते हैं होमवर्क में क्या होता है हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है सारी प्रोबेबिलिटीज देखनी है ओके okay? पॉसिबिलिटीज क्या होता है मार्केट यहां से अप देके दोबारा जाए मार्केट इधर कंसोलिडेट करने लग जाए सेकंड पॉसिबिलिटी थर्ड केस मार्केट यहाँ पर आकर एक जो दोबारा से एक ले और उसके बाद उठे अब ये तीन प्रोबेबिलिटी है इसके अलावा तो मार्केट कुछ करेगी नहीं या तो यहां से डायरेक्ट मूव करेगी या कंसोलिडेट करेगी या फिर डाउन साइड आके अपना दोबारा सपोर्ट लेके दोबारा मूव करेगी अब इन तीन में से मार्केट क्या करती है हम उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू बना लेंगे बाकी प्रॉबेबिलिटीज जो है वो यही रहेगी ओके okay? सो विद दिस ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी आप एक बार और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं आवरली की बात 15 मिनट पे चलते हैं 15 मिनट में अगर आप जाके देखते हो और हम जाके देखते हैं यहाँ पे तो एक तरीके के से ये जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे ये जो पैटर्न होता है ना इस टाइप का सर्कल टाइप का पैटर्न होता है एक आ, इसको अगर आप समझोगे मतलब इस वाले पैटर्न को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे क्या होता है अगर मैं आपको ये वाली चीज मैं आपको एक बार ये वाली चीज बताती हूँ ये जो सर्कल पैटर्न होता है ना इस टाइप का ये मार्केट को जिधर के साइड में बनता है ना मार्केट उधर के साइड शूट अप करता है ठीक है ये जिस टाइप का सर्कल पैटर्न बता है मार्केट उधर के साइड शूट अप करता है जैसे अगर आप इधर के साइड देखोगे तो इस टाइप का जो सर्कल पैटर्न था मेनली क्या होता है ना ये जो सर्कल पैटर्न होता है एक टाइप का बेस और टॉप पर बनता है ठीक है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो लोग है वो इस चीज को यूज नहीं करते मेनली ट्रेडर आपको आप सुनो सुनोगे भी नहीं उनको बताते हुए बट बत मैंने ये चीज देखी है सो मैंने आपको जनरली बता दिया कि जब टॉप और बेस बनता है तो मेनली वहां पर एक आर एस आई डाइवर्जेंस और एक तरीके का ये जो पैटर्न होता है क्योंकि मार्केट वहां पे टर्न करके जाती है तो हम इस तरीके से देखते हैं ठीक है अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे सो 15 मिनट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल के टाइप का पैटर्न आपको दिख जाएगा जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है जो पैटर्न है बट एक तरीके से आप इस तरीके से पैटर्न देखते हो यहां से मार्केट ने क्या करा है ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया दोबारा से मार्केट उसी लेवल को टेस्ट करने आया है ये फिफ्टीन मिनट का टाइम है इसलिए आपको पास में लग रहा है जो टेस्टिंग है तो आई होप की आपको ये वाला चार्ट भी समझ आया होगा अब चलते हैं फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर ठीक है फाइव मिनट में तो बेसिकली आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिला आज मार्केट में और रिवर्सल अभी हम समझेंगे अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं अगर आप डेली मेरे एनालिसिस देखते हो ना तो आपको पता है मैंने वीक के ऊपर ना पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया था कि अगर मॉर्निंग कैंडल स्टार्टिंग की पांच मिनट की या तीन मिनट की आपकी इतनी लंबी विक वाली बने ना इसका मतलब वहां से जो ऊपर के लेवल पर बैठे हुए जो सेलर है यहाँ से उनसे हमें रिजेक्शन मिल चुका है पूरी तरीके से इस कैंडल को जो बायर्स है उनसे उनको रिजेक्शन मिल चुका है ऊपर के साइड से और इस अगर इस वाले कैंडल के नीचे मार्केट नहीं निकलता है तो मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करेगा एक ये वाला रीजन था का ठीक है तो ये वाली चीज हमेशा याद रखना जब एक महीने पहले ऐसे कुछ कुछ कैंडल्स जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे तो एनालिसिस में मैंने आपको डेली ही ऐसे कैंडल्स बनते थे तो मैं डेली आपको ये वाली चीज समझाती थी कि अगर फर्स्ट कैंडल में आपकी विक बनी है देखो अगर आपको फोर्ट कैंडल में ही कोई इतना बड़ा रिजेक्शन मिल गया ना तो उधर के साइड पे मार्केट को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है बट मार्केट अगर उधर के साइड पर निकलता है विद अ प्राइस एक्शन तो मूव अच्छा मिलता है ठीक है तो यहां पर हमें रिजेक्शन मिला पहली बात डाउन साइड में मार्केट ने कोई एन पैटर्न बना के बेस ब्रेकआउट नहीं दिया या कोई भी एक अच्छा पैटर्न बना के कंसोलिडेट करके एक तरीके से वो बेस ब्रेकआउट नहीं दिया ठीक है तो इधर के साइड से तो कुछ हुआ नहीं उसके बाद मार्केट इसी वाली रेंज में रही अब हमारा ट्रेड प्लान तब तक नहीं बनता था जब तक मार्केट इस वीक के नीचे है क्यों नहीं बनता था इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम एक अच्छे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे बिकॉज वीक के अंदर जब मार्केट मैंने आपको शायद कल भी एक वीडियो ये वाली चीज भेजी थी मैंने उसमें क्या बोला था आपको याद रखना ये चीज हमेशा देखो आपको ना ट्रेडिंग में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ ट्रेडिंग में ना होता क्या है ट्रेडिंग में आप प्रैक्टिस एक सेटअप का करोगे हर रोज लेकिन आपको जनरल इंफॉर्मेशन सारी चीजों की होनी चाहिए मैं हमेशा से ट्रेडिंग को ना यूपीएससी से कंपेयर करके चलती हूँ यूपीएससी में क्या होता है उसमें एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको महारत हासिल करनी होती है बाकी सारे सब्जेक्ट्स की आपके पास जनरल नॉलेज होनी चाहिए ठीक है सेम so ट्रेडिंग होता है यहां पर आपका एक ऐसा सेटअप होगा जिसमें आपको महारत हासिल होगी उसमें आपको बार 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 प्रैक्टिस करके उस एक को विनर आपको बनना है लेकिन उस एक सेटअप के साथ आपको बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए उनकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए बेशक आप उनके बेसिस पर ट्रेड नहीं ले रहे हो बट आपको इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए ठीक है अब जैसे ही आप ये वाली चीज समझ जाओगे ना विक वाली मार्केट ने डाउन साइड भी ब्रेक नहीं किया ऊपर के साइड पे जो यहाँ के सेलर बैठे हैं वो जाने नहीं देंगे तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो जो इतना एरिया था ना इतना टाइम था मॉर्निंग के नाइन से लेकर और ऑलमोस्ट बारह बजे तक आप यहाँ पर बैठ के आराम से जो ये ढाई तीन घंटे थे ना यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे तो जब आप धीरे धीरे को समझते हो ना तब आपको पता चलता है और यहाँ पर जो प्रीमियम जितना डीके हुआ है ना बहुत ज्यादा प्रीमियम आधा प्रीमियम तो यही डीके हो गया होगा ठीक है सो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है और ये हमें पता कैसे चला ये मुझे पता कैसे चला कि स्टार्टिंग की कैंडल ही ऐसा रिएक्ट करेगी बिकॉज फर्स्ट कैंडल इस टाइप की थी जिसने विक बनाया था इसका मतलब मार्केट अगर इस वाले जोन में आया तो मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा अब उसके बाद मैंने आपको ये बोला मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट थ्री मिनट टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिया बैंक की निफ्टी में इनसाइड कैंडल बनी अब यहां पर मैंने आपको कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं बोला आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दिस इज लर्निंग ग्रुप मैं अभी ट्रेड्स नहीं दे रही हूं मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं आऊं सी ले लो पी ले लो ये ले लो वो ले लो ऐसे करने लग जाऊं मेरा ऐसा कोई नेचर नहीं है मेरा सीधा समझाने का नेचर है हम पहले सीखेंगे उस चीज को करेंगे जब एन पैटर्न समझाया था तो पहले मैंने एक महीने एन पैटर्न पूरे महीने समझाया है उसके बाद उसके बाद आपने धीरे धीरे उस पर ट्रेड लेना शुरू करा है उसके बाद आपके प्रॉफिट हुए हैं ठीक है सो एन पैटर्न इसका मतलब आपने अपनी साइड से सीखा है जो मेरे कॉल देने से आप नहीं सीखोगे ना वो आप अगर अपने खुद के कॉल्स लेने से जो उस पैटर्न पर लोगे उससे आप ज्यादा डीपली समझोगे वरना जो मेरे दिए हुए कॉल से अगर आप पैसे बनाते भी हो ना तो वो ज्यादा देर तक आपके पास रुकेंगे नहीं पैसा हमारे पास अपनी मेहनत का ही रुकेगा चाहे आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल से कॉल्स ले लो तो मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं बट हम एक बार ट्राई करेंगे बिकॉज क्योंकि अगर हमने इस चीज पर वर्क किया है तो हम कुछ टाइम तक वर्क करेंगे उसके बाद हम जरूर इस चीज पर एक लाइव मार्केट में इस तरीके से प्ले जरूर करेंगे कि जो अब तक हमने सीखा क्या वो लाइव मार्केट में किस तरीके से प्ले होता है अब जब तक आपको प्रैक्टिस करनी है आप उस चीज पर प्रैक्टिस करिए सो मेन so, चीज क्या है कि बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि ब्रेकआउट हुआ है इन कैंडल मिली है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इन कैंडल मिली उसके बाद मार्केट ने क्या किया अब यहां पर क्या चीज थी मार्केट ने एक तरीके से दोबारा से ट्राई किया यहाँ पर जाने का लेकिन यहाँ पर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड के जो कॉल राइटर थे उसके ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया अब एक और चीज जो रैली हुई है ब्रेकआउट की जो रैली ब्रेकआउट की स्टार्ट हुई है वो डाउन साइड से हो गई थी और मैं हमेशा आपको बताती हूँ अगर कंसोलिडेशन का टाइम है तो देखो मैं आपको ना दोबारा से ये चीज मुझे लगता है आपको ना डेली समझाना पड़ेगा देखो ये पीरियड होता है कंसोलिडेशन का कंसोलिडेशन में और ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है यहां पर आप बाय करोगे इधर सेल करोगे इधर सेल करोगे इधर पी बाय करोगे मतलब पी को इधर सेल करोगे दोबारा से, से सपोर्ट पे बाय करोगे रेसिस्टेंस पे सेल करोगे ठीक है दोबारा से सपोर्ट पे बाय करोगे वेट करोगे तक जाने का रेसिस्टेंस पे सेल करोगे तो मार्केट क्या करता है जब आप अब ये आपका कंसोलिडेशन रेंज बन गया यहां पर बाय बाय सेल सेल बाय सेल चल रहा है हम हम बैठ के मजे ले रहे हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है मार्केट देता है इसका ब्रेकआउट ठीक है अब मेरी बात याद रखना मैं हमेशा क्यों बोलती हूं आपको कि कोई भी ब्रेकआउट अगर आपको मिले कंसोलिडेशन से और उसकी रैली अगर काफी नीचे से स्टार्ट हुई है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के कि वो ब्रेकआउट टिकता नहीं है मैंने ऐसा क्यों बोला क्योंकि यहां पर जिन लोगों ने बाय किया वो इस यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वो अपना टारगेट लेके रखते हैं इधर अपना एसएल लेके रखते हैं ठीक है और यहाँ का जो अगर यहाँ पे एकदम से मार्केट निकलता भी है तो जो यहाँ के बायर होते वो अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं इसीलिए जब ब्रेकआउट को देकर आप एंट्री कर लेते हो ना और उसके बाद बोलते हो कि मार्केट तो घूम गया वो मार्केट घूमा नहीं है ठीक है और मार्केट इधर के साइड से सीधा सीधा चांस होते हैं कि यहाँ के जो बायर होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे इसीलिए एन पैटर्न आया कि पहले जो यहाँ के बायर्स है अगर उसके थ्रू क्योंकि ये ये वाला लेवल काफी टाइम टेस्ट हो हो चुका चुका होता है तो अब वीक था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम मार्केट टेस्ट कर चुकी है ठीक है तो इसका मतलब यहां से अगर इस वाले टाइम पर बाइंग आ गई और फोर्थ फिफ्थ टाइम पर अगर ये रेसिस्टेंस टूट गया तो ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है लेट देम दिस टाइप ऑफ बायर जो यहां पे जिन्होंने बाइंग की थी लेट देम कट देयर पोजिशन और उसी चक्कर में हमें एन पैटर्न मिला बाइंग यहां पर हाई ये जो लोग होते हैं वो अपनी पोजिशन कट करेंगे उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूवमेंट जाता है अब यहां पर दो केस बनते हैं जब मार्केट नीचे गिरता है दो केस क्या बनते हैं या तो मार्केट इधर के साइड कंसोलिडेट करने लग जाए या फिर न्यू बायर्स जो है वो इस वाले पोजीशन पर आए ना इधर के साइड से रिवर्सल पैटर्न बना के मार्केट चला जाए या फिर इस एन पैटर्न को पूरा कंप्लीट देकर और न्यू बायर यहां पर एंट्री करे और फिर यहां पर मार्केट ऊपर के साइड जाए ये यहां पर तीन केस बनते हैं आई होप आपको समझ आया हो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ यहाँ पर ज्यादा थोड़ा डटी सा हो गया ना हाँ तो इधर के साइड हम दोबारा से समझ लेते हैं अगर कंसोलिडेशन है और अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो पहले जो यहां पे जिन्होंने बाय किया वो इस ब्रेकआउट पर बुक करेंगे और बुक जैसे वो करेंगे तो आपको एक यहां पर रेड कैंडल मिलेगी ठीक है यहां पर आपको रेड कैंडल मिलेगी अब रेड कैंडल के बाद वी गोट सॉरी वी गोट थ्री केसेस ठीक है हमें यहां पर तीन केस मिलेंगे क्या या तो मार्केट इधर की साइड कंसोलिडेट करने लग जाए कहीं ना जाए या फिर मार्केट एक अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न बनाए कोई भी डब्ल्यू यहाँ पर एक एम पैटर्न बना दे माउंटेन एंड हील बना दे या फिर एक तरीके से हेड एंड शोल्डर बना दे ठीक है इस टाइप का कोई पैटर्न मिले और वो डाउन साइड में ब्रेकआउट करे ये सेकेंड केस था कंसोलिडेशन वाला फोर, रिवर्सल फॉर्मेशन वाला सेकेंड केस या मार्केट एक एन पैटर्न दे इधर इस वाले पोजिशन पर न्यू बायर एक्टिव हो और मार्केट ऊपर जाए इसीलिए मैंने आपको एन पैटर्न समझाया यही पूरा केस है रिवर्सल का यही होता है जनरली मार्केट में और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में ठीक है अब आई होप आपको समझ आओ इसलिए मैंने अब यहाँ पे अब यहां पे पता है क्या मुझे पता है ऐसे ना बेवकूफ लोग होते हैं मैंने जैसे बोला ना यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इन साइड केंडल मिली एन पैटर्न वेन पैटर्न इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज पर भूल जाओगे वो एन पैटर्न का मतलब कुछ भी नहीं भूल जाओगे आप डायरेक्ट एन पैटर्न और क्या करोगे ना यहाँ पर मैम ने बोल दिया तो मतलब यहाँ पे सी लेके बैठ जाओगे अरे कैसे सी ले लोगे जब बोला है यहाँ पे कि ब्रेकआउट होगा हमें एन पैटर्न मिलेगा तो ही हम एंट्री करेंगे अगर यहाँ पर एन पैटर्न नहीं बनता ठीक है जैसे जो कि बना भी नहीं है तो हम छोड़ देंगे इस ट्रेड को मैंने ये ट्रेड नहीं लिया अगर मैंने आपको ये वाली चीज बोली थी तो मैं यहाँ पे एंट्री भी करती बट आई हैव टू वेट फॉर द एन पैटर्न ना हमारे कुछ रूल्स है वी आर डिसिप्लिन ट्रेडर तो डिसिप्लिन में अगर हमारा एन पैटर्न लिखा हुआ है तो हम फॉलो करेंगे ना तो यहाँ पर मिला नहीं तो हमने एंट्री करी नहीं उसके बाद ये वाला ट्रेड से हम बच गए अगर आप सही में हो तो आप इस वाले ट्रेड से क्या गए बच गए यहां पर क्योंकि आपको मिला नहीं अब यहां पे उसके बाद क्या हुआ मार्केट ना तो ऊपर गया फर्स्ट केस कट मार्केट कंसोलिडेशन में भी नहीं गया सेकंड केस कट मार्केट ने एक बेस बनाया थर्ड ठीक है मार्केट ने क्या करा बेस बनाया मार्केट एक थर्ड वाले फॉर्म में आया अब मैं आपको एक बताऊ ये रिवर्सल मैं आपको समझाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको कल वाला पैटर्न दिखा के ना समझाती हूँ कि सेकेंड केस क्या बना अगर आप यहां जाओगे ना मोस्ट प्रोबेबली या दिस टाइप अब समझ रहा हूं जो मैंने आपको केसेस समझाए यहां पे क्या होता है मार्केट ने दोबारा से अपना डे हाई तोड़ा ठीक है मार्केट ने एन पैटर्न तो नहीं दिया इसका मतलब हमारा फर्स्ट केस कैंसिल सेकेंड केस हमारा क्या आता है कंसोलिडेशन का अब मार्केट में आप यहां पे देखो कि यहां पे ये वाली चीज का कंसोलिडेशन हुआ है कि यहां पे इस वाली चीज का कंसोलिडेशन हुआ है यहां पे एक तरीके से ही इस तरीके से बेस बना ठीक है और ये जो बेस टूटा ठीक है यहां पर अगर हम समझेंगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे ये जो बेस टूटा इस वाले बेस पर एक तो हम इसलिए बाय नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर एन पैटर्न नहीं है ऊपर से ये बेस कोई खास रीजन कोई खास जो चीज है वो देखे नहीं गया ये यहां पर इस टाइम पे कंसोलिडेशन फेज में चला गया यहाँ पर सेकंड केस हुआ है और थर्ड केस जो है ना हमारा कि मार्केट रिवर्स करेगा आप पैटर्न का पैटर्न का तरीका देखना एक तो ये पैटर्न इसमें बहुत ज्यादा ही चौपीनेस है इधर उधर इधर उधर सारे विक्स और कोई ढंग का पैटर्न नहीं है ना कुछ अच्छी चीजें हैं यहाँ पे ठीक है तो यहां पे सेकंड केस कंसोलिडेशन वाला हो यहां पर देखो ये पैटर्न कितना ब्यूटीफुल है कितना ब्यूटीफुल मतलब अगर आप इसकी कैंडल्स देखते हो आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे विक्स दिख रही है इसका मतलब दोनों साइड से जो है वो इनडिसनेस है ना ऊपर वालों को पता है ना बायर ना सेलर किसी को कुछ नहीं पता और इस वाले पैटर्न पर आप एक बार विक देखो मैंने आपको विक भी समझाई है वीडियो के थ्रू के विक से रिजेक्शन हमें कहां से मिल रहा है मेनली ऊपर वाली साइड से मिल रहा है हमें रिजेक्शन इसका मतलब सेलर हमें ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं और अगर हमें रिजेक्शन मिल रहा है और उसके बाद कितना ब्यूटिफुल पैटर्न बना यहाँ पर एक तो हुई ट्रैपिंग क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो जिनको नहीं पता एन पैटर्न हमारा जिनको सीक्रेट नहीं पता वो यहाँ पर करेंगे एंट्री उसके बाद यहाँ पर हुई ट्रैपिंग दोबारा से एक बार ट्राई किया अब जिन जो लोग थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा वो होते हैं ना बायर जो ही रिस्की ट्रेडर नहीं नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा यहाँ तक पहुंची नहीं मार्केट मार्केट क्या कर दोबारा टर्न कर गई तो यहाँ पर भी एस कटे होंगे जिनके दोबारा जिन्होंने यहाँ पे बाइक किया होगा सिर्फ एन पैटर्न का ही वेट करना है अब यहाँ पर कितना ब्यूटिफुल पैटर्न है ना देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया रिजेक्शन मिला है यहां से और यहाँ पर बायर ट्रैप हो गए दोबारा से मोस्ट ब्यूटिफुल पैटर्न ऊपर के साइड से यहाँ पर जो है सेलर्स uh, एक्टिव है इधर के साइड क्योंकि जो बायर जा रहे हैं उनको रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट ब्रेकआउट देता है लेकिन हमें ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करनी है हमें ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करनी हमें किस पर एंट्री करनी है एन पैटर्न पर या पुल बैक पर ठीक है तो यहां पर हमें ब्रेकआउट मिलता है देख रहे हो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला लेकिन हम इस डर से हम कोई फोमो में एंट्री नहीं करेंगे ठीक है हम फोमो में बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे कि भाई फोमो क्या होता है फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट कभी भाई ये गिर ना जाए कभी हमारा ट्रेड छूट ना जाए ऐसे ऐसे करके हम यहाँ घुस जाते हैं और उसके बाद फिर पता ही क्या होता है जो दोबारा से यहाँ पर जिन्होंने सेल किया थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपनी वो इधर के साइड पे

और उसके बाद आप देखोगे ना कितना ब्यूटीफुल मार्केट गिरी अब यहां पे आपको कोई एक भी रिवर्सल कैंडल नहीं मिली या फिर दोबारा सा कोई पुल बैक कैंडल नहीं मिली डायरेक्ट डाउन साइड में इस वाले लेवल तक आपको निकल जाना चाहिए था जो आपका फर्स्ट टारगेट बनता मैंने आपको स्विंग से समझाए हैं और डेली समझाती हूँ ये जो लेवल है ये आपके स्विंग्स है जो बार बार टेस्ट हो रहे हैं जैसे कि इधर टेस्ट हुआ देन इधर टेस्ट हुआ ये सारे टेस्टिंग लेवल्स है तो जहां पर भी मार्केट को दोबारा दोबारा से रिजेक्शन वाले आपको कोई लेवल्स मिले इधर से ब्रेकआउट हुआ तो उधर को आपको एक बार निकल जाना है यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर उसके बाद मार्केट कहीं का है दोबारा से रिवर्स ही हो गई है इसका मतलब आपको आपको मेनली वाला एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप मिला आप इधर के साइड पे विद एन पैटर्न और विद क्लियर इंडिकेशन और ये वाली चीज ना आज बहुत लोगों ने कैच किया है मेरे पास मैसेज आए हैं पर्सनली और उन्होंने सिर्फ ये बोला है मुझे कि ये कंसोलिडेशन विक की वजह से उन्होंने समझ के और कल के चार्ट को समझ के छोड़ दी और उसके बाद उनको ट्रैपिंग का समझ आया पैटर्न को उन्होंने ट्रेड किया पुल बैक पर और जैसा मैंने आपको समझाया क्लियर उन लोगों ने वैसा किया है ठीक है so, सो ये कुछ पेड कोर्स नहीं है ना मैंने आपको कोई कॉल दी थी ठीक है और मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अगेंस्ट ऑफ कॉल्स अगर कॉल्स के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हो तो प्लीज मत जुड़ना बिकॉज यहां पर डिससेटिस्फाइड हो जाओगे क्योंकि मैं कॉल्स नहीं देती हूं बट मैं समझाती ऐसा हूं कि आपको कॉल्स की कहीं नीड नहीं पड़ेगी इस चीज में मेरा कॉन्फिडेंस है ठीक है सो अब यहां पर इस तरीके से डाउन साइड में मार्केट गई और ये हमारा पैटर्न अब इस टाइप के रिवर्सल पैटर्न आपको मेनली कम मिलेंगे हम वो भी बात कर लेते हैं देखो अगर मार्केट कभी भी इतना बड़ा गैप अप देके ऊपर जा रहा है ना जैसे यहां पर मार्केट ने दिया यहां पर कितना मार्केट रन कर गया मैंने कल भी डिस्कस करा था थाउजेंड पॉइंट्स के ऑलमोस्ट थाउजेंड इलेवन हंड्रेड पॉइंट के ऑलमोस्ट हम रन करके गए हैं एक गैप था मार्केट फिल करेगा मार्केट को गैप मिला मार्केट फिल करा मार्केट में रिवर्सल आया मार्केट डाउन और एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिला अब ना अब एक ये चीज समझेंगे ठीक है ये वाला सेम ट्रेड आप जाओगे ना 25 अगस्त को मिला था फ्राइडे वाले दिन देखो उससे पहले क्या है कंसोलिडेशन और उसके बाद ये अब ये मुझे ध्यान नहीं कि वो निफ्टी में था या बैंक निफ्टी में था बट लेट मी सर्च अबाउट इट ओके सो 25 अगस्त या सेम इन द बैंक निफ्टी ऑल्सो सो यहाँ पर क्या हुआ इस वाले दिन भी मार्केट क्या कर रहा है काफी दिनों से ऊपर जा रहा था मार्केट में अगर आप यहाँ देखोगे तो थर्टी यानी ऑलमोस्ट थर्टी से मार्केट ने रन किया थर्टी एट थाउजेंड से अगर आप यहां से देखोगे तो यहां का जो लेवल है वो थर्टी नाइन थाउजेंड यानी है thousand point के आज आप कल क्या किया था मार्केट ने थाउजेंड पॉइंट रन किया था उसके बाद मार्केट गैप अप देता है आज मार्केट ने अप दिया सेम मार्केट क्या करता है पूरे दिन इस वाले लेवल पर कंसोलिडेट करता है ये विक वाली नहीं है बट मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता सेम केस एज इट इज आज जैसे हमारे कंसोलिडेट और उसके बाद आप देखोगे लास्ट में क्या हुआ है मार्केट में रैली सेम हुआ यहां पर भी अगर आप देखोगे पूरे दिन क्या रहा सिर्फ ऊपर नीचे वाला सेम कंसोलिडेशन एक ही रेंज में पूरे दिन मार्केट जो हमारे में रहा और इंपॉर्टेंट चीज बताइए क्या लास्ट डे भी मार्केट अपनी क्लोजिंग हाई पर देकर गया ठीक है और ये 25 अगस्त का और अगर आप आज का देखते हो तो हमारा लास्ट डे की जो क्लोजिंग मार्केट देखकर गया दोबारा से सेम केस कंसोलिडेशन एक ही टाइम में और अपनी क्लोजिंग हाई पर देकर गया सो so, अब ये बताए क्या ये सीन जब यहाँ चल रहा था ना तो मुझे ट्वेंटी फोकस का चार्ट याद था क्योंकि जो मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ चार्ट ना रट लो जो तीन महीने के चार्ट है ना आपको याद होने चाहिए अगर मैं आपसे ये पूछू ना बताओ फर्स्ट सितंबर को कैसा चार्ट बना आपके माइंड में होना चाहिए कि फर्स्ट सितंबर को क्या चार्ट बना था उससे पहले क्या चल रहा था ये रटी होनी चाहिए अगर आप ना मैं गारंटी देती हूँ आप तीन महीने के चार्ट रट लो उन तीन महीने के चार्ट में से

ठीक है सो so, इसी चक्कर की वजह से मैं आपको ये रिवर्सल का बोल रही थी चलो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको समझ आया तो मेरा मेन मोटिव वही था कि आप समझ जाओ बाकी आ, इसके बाद अब कल के लिए क्या है वो प्लान कर लेते हैं एक बार अब यहां से जो है गैप फिल हो चुका है सेम मार्केट में हम क्या करेंगे हमारा जो डे हाई है डे लो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट तरीके से एक्शन लेगा आपको पता है डे हाई डे लो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वाले लेवल के बीच में कंसोलिडेशन एरिया है इस वाले लेवल के बीच में क्यों कंसोलिडेशन एरिया है बिकॉज यहाँ पर क्या है यहाँ पर है एक Uh, इधर के साइड से हमें सेलिंग प्रेशर दिखेगा इधर के साइड से हमें बाइंग प्रेशर दिखेगा बिकॉज इस वाले लेवल से ब्रेकआउट होकर भी बायर्स आए थे तो इस वाले जोन में सेल बाय सेल बाय चलता रहेगा और हम बाहर बैठकर मजे लेंगे सिंपल क्योंकि हम तो ब्रेकआउट ट्रेडर है हमें ब्रेकआउट प्लस एन पैटर्न चाहिए इसके इधर के साइड निकलता है विद द एन पैटर्न वी विल बाय पीई और इधर के साइड निकलता है हम सी बाय करेंगे बाकी तो मार्केट के हाथ में मार्केट किस तरीके से एक्शन लेता है चार्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे सेम विद द निफ्टी ऑल्सो निफ्टी में भी हम जो हाई लो है वो एक बार मार्क करेंगे ठीक है और सेम अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो फोर ए, अच्छा एक निफ्टी में एक लेवल था मुझे आपको एक्चुअली गाइड करना था वो लेवल या दिस वन एक्चुअली फोर नाइनटी फोर अराउंड दिस वन यहाँ पर अगर आप देखोगे सो so, इस वाले लेवल पर काफी बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया ये नाइन फाइव हाँ दिस वन लेवल यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है? मार्केट ने एक बार इधर के साइड रेसिस्टेंस लिया ठीक है इधर के साइड मार्केट सपोर्ट ले रहा था इसी लेवल पर यहां पर भी सपोर्ट लिया गया है और ये अब किसी ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा तो हम जिस जोन में खड़े हैं ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के पास है इस टाइम पर हमारी क्लोजिंग और ऊपर से 500 हंड्रेड ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल भी हो गया थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल ठीक है अब ये मत बोला मैम थाउजेंड में होता है तो अब यहां से अगर निकले तो हमें एन पेटर्न चाहिए उसके बाद मार्केट ऊपर से कंटिन्यू कर सकता है वरना यहाँ ही से रेसिस्टेंस लेकर हम एक बार डाउन साइड मार्केट आ सकते हैं डाउन साइड या तो पूरा ही गिर जाएगा पूरी ही एक तरीके से पुल बैक देके पूरा गिर जाएगा या फिर दोबारा से बेस बनाकर एक बार दोबारा ट्राई करते हुए देख सकते हैं लेकिन अगर इस बार ट्राई किया ना तो एक बार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टाइम ट्राई होगा मार्केट तो इस बार चांसेस ज्यादा होंगे मेन प्रोबेबली मैं आपको जैसे समझाती हूँ वो यही होता है कि जो फर्स्ट टाइम हम जाके हिट करते हैं ना तो ज्यादातर चांसेस नहीं होते हैं इस तरीके से शार्पली जाने के फर्स्ट टाइम में मार्केट एक बार रेसिस्टेंस लेता है थोड़ा सा आ, नीचे आता है फिर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ट्राई करता है उसके बाद टूटता है जैसे आप यहाँ पे देखोगे आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है सॉरी um, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट समझाने की चीजें बहुत ज्यादा है अब यहाँ पे देखोगे ना ये लेवल मार्केट ने कितनी बार टेस्ट किया यहाँ पे तो ओपनिंग से ही रिजेक्शन मिल गया था उसके बाद एक और ट्राय, ट्राय, उसके बार और देन टाइम ट्राइ देन थर्ड टाइम ट्राई उसके बाद फोर्थ टाइम टूटना ही था और अगर अगर कोई स्केल्पर है जैसे मेरे को मेनली स्के्पिंग ज्यादा अच्छी लगती है सो तो अगर कोई स्केल्पर है तो जब मार्केट यहां से निकला ना तो उस टाइम मुझे पहले पता था कि अगर ये चार बार टेस्ट हो चुका है मतलब यहां से तो रिजेक्शन था तीन बार ट्राई कर चुका है तो फोर्थ टाइम अगर ये निकला तो ये निकल सकता है हालांकि ऊपर जाकर एन पैटर्न ना मिले तो ट्रैपिंग हो सकती है बट मेन चीज ये थी कि यहां से जरूर निकलेगा अगर ये फोर्थ टाइम आया है तो इस वाले लेवल को जरूर ब्रेक करेगा ठीक है तो आप भी ध्यान रखिए इस चीज का कि अगर इतनी बार कोई लेवल एक बार टेस्ट हो तो जरूर मार्केट ब्रेक करेगा लेकिन ब्रेक के बाद ये मत आइडिया लगा लेना कि ब्रेक के बाद ऊपर तो ऊपर ऊपर जाएगा नहीं जी पहले तो उसे ब्रेकआउट के बाद एन पैटर्न चाहिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया है यूज करो इसे थैंक यू सो मच बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी